कराची के ऊपर अब जीत बनती है, बड़े साल हो गए हैं, क्या प्लान है? मेरा तो पहला साल है जी कराची के, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं, लेकिन ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो बहुत अच्छा है, ना कि सिर्फ कराची टीम का, सारी टीम्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिर्फ ये है कि जो बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट और मिडल ऑफ द टूर्नामेंट जो टीम पिक करेगी उसके ज़्यादा चांसेस जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। बॉलिंग हमेशा से कंसर्न रही है कराची किंग्स की, तो इस बार मुतमिन है बॉलिंग से? मोहम्मद आमिर की वापसी को कैसा देख रहे हैं, उनकी पेस वापस आई है बीपीएल में? जी बिल्कुल, मोहम्मद आमिर जो है वो एक बहुत अच्छा बॉलर है और ही इज वन सो मेनी गेम्स फॉर पाकिस्तान, और वैसे ही जो है वो लीड करेंगे कराची किंग्स को बॉलिंग अटैक की जब यहाँ पे बात आती है, और क्वालिटी स्पिनर है इमाद किसी खुद जो है, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा जाए या ओवरऑल जहाँ पे भी वो खेल रहे हैं। उसके बाद दो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, शमसी है, इमरान ताहिर है, तो बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, सिर्फ ये है कि विकेट्स लेने पड़ेंगे और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है। जी शुएब, क्या कहेंगे आज बड़े हिस्टोरिक प्लेस के ऊपर रूनमाई हुई ईएसएल की? आई थिंक ऐसी जगहों पे जो है ट्रॉफी रिवील होनी चाहिए, और खरा क्रेडिट सबको जाता है इस बात पे कि इस जगह को चूज़ किया गया, और वैसे ही पीएसएल जो है हर साल बड़े से बड़ा जो है वो बनता जा रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें चल रही हैं, और ऑल द क्रेडिट जिन्होंने इस हिस्टोरिकल प्लेस को सोचा, फिर उसको फाइनलाइज किया और वहाँ पर एग्जीक्यूट किया।